मैं मेरे बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ, बोलो मैडम मेरे आत्ता को जो फैक्टर जॉइंट्स पेन है, सुसरे पुटे है, हस्बैंड को लेग फ्रैक्चर, कहाँ जाऊँ मैडम मैं, बोलो डबल बेडरूम में गए दो कल उल्ला मार के जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रही ना आपको, सबको मैं बोल रही हूँ, कोई किधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा जो है ये गवर्नमेंट ऐसा कर ही नहीं सकता। गरीबों के ऊपर, गरीबों के घर के ऊपर कोई भी गार्डन बनाने की जरूरत नहीं है। कल जो आए थे वो लोग आके जो मारक डाल रहे थे, हम लोग रोक रहे थे उनको, नहीं हमारे घरों पे तुम मारक डाल के गए तो हम जाना कहाँ बोल के रोक गए। डबल बेडरूम में कई को जाकर जरूरत क्या है, हमारे को जब डबल बेडरूम होना है कैसे रहना देते बोले थे, जब ही चाहते थे हम ये देखो घर बना लेते थे, हमारे को क्या जरूरत थी घर बनाने की, सबको परमिशन है, परमिशन बिना परमिशन के तो कोई नहीं है। 30-35 साल से किचन बंद है, कोई आके नगरी को नहीं बोला था, अब आके तो ये लोग कैसे को नहीं करे सब, मेरे सास को पेंशन दिए करे सो, हमको पेंशन भी नहीं मिल रही, मर के 5-5 साल हो गया, हमारे 6 साल हो गया पेंशन नहीं मिल रही हमारे को। अभी आप जो एक मिनट आप लोग एक मिनट हो जाओ, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। ये जो भी जो है ब्यूटिफिकेशन के जो बोल रहे गार्डन बनाते वो पूरा आपके घरों के ऊपर गार्डन बनाते ये पूरा वाजिब नहीं है, ये पूरा हम लोग अगेंस्ट है। पूरा ऑलरेडी केसीआर साहब बोले लीगल सेल, बीआरएस लीगल सेल जो है पूरे आवाम के लिए जो जो भी तकलीफ में है आप सबके तरफ से हम केस डालेंगे, कोर्ट तक लेके जाएंगे, तो आप लोग कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा किसी के किसके आंखों में देखिए आप देख रहे हैं, किसी को सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, किसको भी डबल बेडरूम नहीं चाहिए बोल रहे हैं, उनका घर उनको ना बोल रहे, डबल बेडरूम तो कैसा लोगों को फ्री में बांट रहे थे, कुछ बोलो बोलो एक मिनट मैडम, बोलो मैडम 500 से ज्यादा लोग आए रोड पे, पानी नहीं, सुनो सुनो आप लोग पूरे किचन बात से।